हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत कम वक्त में बनने वाली आसान और सिंपल सी रेसिपी। आज हम बना रहे हैं आलू की तरकारी। तो चलें फिर से बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ मेरे पास है 3 बड़े साइज़ के आलू। इसे मैंने बॉईल करके इस तरह मैश कर लिया। यहाँ मेरे पास है 3 अदर टमाटर, इसे मैंने छिलका उतार कर इसके बीज उतार कर इसे ब्लेंडर कर लिया है। यहाँ मेरे पास है 1 टीस्पून सवा धनिया। यहाँ मेरे पास है 1 टीस्पून सीवी मिर्च। यहाँ मेरे पास है 1 टीस्पून हल्दी। और यहाँ 1 टीस्पून नमक। और यहाँ मेरे पास है 1 हाफ टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून सौंफ और 1/2 टीस्पून धनिया, साबुत धनिया। इसे मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। इसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कूट लिया है। यहाँ मेरे पास है 5 अदद साबुत मिर्च। यहाँ मेरे पास है 1/2 पाव कुकिंग ऑयल। इसमें हम साबुत मिर्चें और धनिया ज़ीरा जो हमने कूटा था वो इसमें ऐड कर देंगे और फौरन से ही इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसमें मैंने टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया है। यहाँ मैंने पेस्ट को ऐड कर दिया है। इसकी हम भुनाई कर रहे हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी बनती है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। ये बहुत कम इंग्रेडिएंट से बन जाती है। मैं लाती हूँ आपके लिए सिंपल और आसान रेसिपी जो घर में मौजूद सामान से आप बासानी बना सकें। अब हम इसकी भुनाई करते हैं 5 मिनट, लेते हैं 5 मिनट के बाद। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसकी भुनाई कर ली है मीडियम टू लो फ्लेम पे। इस पॉइंट पर आकर हम अपने आलू ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने आलू ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। अब इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चूड़ियों के साथ, पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है। मैंने आलू मिक्स कर दिए हैं। इसमें पानी ऐड करूंगी 1/2 कप। आप इसे जितना ठीक रखना चाहें आप उसके हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 कप पानी ऐड किया है। मुझे इतनी थिकनेस सही लगती है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ मेरे पास सूखी मेथी है 1/2 टीस्पून, यानी कसूरी मेथी। हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करके इसे मिक्स करेंगे और इसे मज़ीद 5 मिनट तक पकाएंगे। लेते हैं 5 मिनट के बाद। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं। हम कवर रिमूव कर रहे हैं। हमारी आलू की तरकारी रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखें, रेडी है हमारी आलू की तरकारी। आप इस तरीके से बनाएं, बहुत अच्छी बनती है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाती हूँ आपके लिए सिंपल और आसान रेसिपी। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए।